तो अब हम उठ गए हैं 5 बजे। देखो बच्चे रो रहे हैं, बिट्टू रो रही है दूध के मारे। दूध पिएगी? देंगे, एनो पी रही हूँ। तो शाम को हमारी जीजी आ गई थी 8 बजे मास के राजगढ़ से। तो फिर सुबह होने के बाद हमने आपको बता नहीं पाया, तो आज भी हम आ गए हैं, इस खेत में आ गए हैं काटने के लिए। जीजी आ गई थी 7 बजे, रोटी भी नहीं खा के आई और मैं भी नहीं खा कर आई, क्योंकि अभी सब्जी बना रही है, तो इसलिए सब्जी लेट बनी आज हमारे। तो जीजी तो आगे की तरफ है, काट रही है सिरसू। तो मैं जीजी के लिए देखो पानी लेकर आई थी, पानी तो साथ में ले आते ही हैं हम रोज रोज। पता नहीं जीजी डांटेगी आज तो, क्योंकि लेट हो गई, तो इसलिए अब इस खेत की काटेंगे पूरी सिरसू। देखो आज तो हम कुछ भी नहीं खा के आए हैं। तो मैं जा रही हूँ जीजी के पास। जीजी पता नहीं जाने आज भी आंगली कटा लिए उसने दोबारा से, पता नहीं जाने कैसे सिरसू काटते हैं, और लड़ेगी और आज तुमको। देखो ये आ गई हूँ जीजी के पास। क्या कही होगा, आंगली कट गई? देखो आज भी हमारे जीजी ने आंगली कटा लिए। देखो कितने, पड़वाते हैं मैं। देखो कितने सारे खून निकले आए जीजी की आंगली में। अब काय करूँ, लग गया मैं तो जोर, मेरा खून ही कौन जैसे निकला, कौन इस बार। एक दिन भी कटा ली उसमें ही कटा ली, आज भी है ना। रुको अभी मैं लीर बांधती हूँ जीजी की आंगली, क्योंकि लोई लिखल रहे हैं। तो हम इतने मोड़ के आई हो ब्रे? तो जीजी मैं रोटी वोटी कर रहा हो और काम कर रहे हो, मैं काई करूँ? तो काय कर रहे हो? तो अब यार आपका ट्रैक है कि सिरसु को आज यार आ, तो दोपहर तक घर में कहीं ना निकलो तो ऐसा कुछ। तो मैं भी भूखी आई, मैं कुछ खा रहा हूँ अभी तो। आ तो साग भी शायद सुबह की लग रही, खेत में चाय पी रहा हूँ। चाय तो जब हमने चाय भी कौन पी, हमने तो चाय तो पी ली। तो चाय तो पिया ही, अब काय करा, हम टाइम पर खेत में बनाया ना रोटी बना लिया सहजी। तो बस की कौन खाए, देखा बात अभी सब्जी बना रही है, देख लेट गई सब्जी बनवा के टाइम है। काई करा था वाको आज को लड़ू रो खेत में जाऊं। हम बता मनसुद काम करे कौन कभी ढंगसु मैं आ तुम फिर तो छुपी करा दे खावा तुम रात रात को उठर सारो काम कर के खेत में बिड़ जाई। तो बिड़ जाई तो और खे दे मंजूर मत करा, आपा ही कल काट लेंगा मंजूर, इन पैसा दी और यानो के मंजूर करो, मंजूर करो, ये कोई फ्री में कट जाए, या कोई अगर घर में पैसा रहेगा मंजूर करेंगा, ना तो घर में रहने उठेगा। मेरे लिए तो मत करो, तो मंजूर है मकाई नहीं खाया, मंजूर करो 20 दिन तक भी मंजूर भी करेंगे, मंजूर आया बागी तब कर लेंगे। आज आलिशी आया, आज ये खींच के आया, और जीजी ने तो आंगली भी कटा ली है। तो चलो अब कटवाते हैं, नहीं तो जीजी दोबारा से मारेगी। आप हमारी जीजी ने देखो कम से कम कोई 8-9 पूड़ी काट दी। देखो हमने काट लिया, अभी तो काटेंगे, जीजी को भूख लग गई है तो घर जा रही है रोटी लेने के लिए, और मेरे को भी नहीं ले रहा है रोटी, तो जा रही है जीजी घर, क्योंकि भूख लगने रोटी खाने का टाइम हो जाता है हमारे, तो 9 बजे और अब बज गए हैं 10। तो हमारी जीजी देखो आ गई है घर से रोटी खा के, और लेकर भी आई है, ये रख दिया यहाँ पे इस कटोरी में सब्जी, 2.5 रोटी और छाछ, और जी जी खाया इतने शाम तक की औचित कर आई, क्योंकि अब शाम तक भूख नहीं लगेगी, तो इसलिए। दोस्तों अब हम खाएंगे रोटी, देखो ये सब्जी है इस कटोरी में, और इधर रोटी रखी है, और इस डोकची में है छाछ। क्या है, 10 बज गए हैं तो भूख लगने लग गई है, फिर काटेंगे जी, काटने लग गई है दोबारा से। रोटी खा गए हैं और छाछ ही पी ली है, और जीजी काट रही है, तो अब हम जी तो भाई। तो देखो हमारे खेत में कुण आया है सिरसु कटाने के लिए, हमारी हमारी बुआ जी का लड़का, देखो सिरसु काट रहा है, और खूब सिरसु काट रहे, शर्माता है नहीं जागता है, देख तो सरू।
हमारे हेल्पर बाबा आए। बजाओ से ले जाओ पानी तो रखो। तो देखो मैं आ गई हूँ घड़ी लेके, ये रही उसकी घड़ी, ये है। तो जा रही हूँ खेत में, लेकर आ गई हूँ घर से और उसके पास जा रही हूँ, घड़ी को ले जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ खेत में, देखो मतलब मेरी पांत को जीजी के पास ले गए, कितनी तावली सी सुकारते हैं, पर पोली नहीं बांध दिया है। काट काट के फटक दिया। अगर यार आओ सिर सुकट वाले तो अपनी सिर सुकट जाया कल तक। और बाया 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 हाथ की दांत है इसका। वो रखियो, बोतल खाली हो गई है और जीजी पी के चली गई है। और अब हम काटेंगे इधर की तरफ से, फिर चलते हैं। तो हम इसको भी काट के आ गए हैं, अब न्यास के दोबारा से काटेंगे। जीजी आ रही है। तो हमने यहाँ पे आई आई तो काट लिया, जा रहे हैं दूसरे खेत में और बैठ गए हैं। जी जी बैठी है, जुखाम लग रही है तो खटन में दुख हो रहे और माथों भी दुख रहे, जुखाम तो हमारे भी लग रही है। रात तो बदल भी हो रहा है, देखो कितना कैसे कैसे हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। आज के दिन होली का डांडा गड़ेगा तो इसलिए अब होली तक यहीं रखा वो। तो दोस्तों 4 बजे का टाइम हो गया है और बिट्टू देखो इधर आवाज दे रही है कि मम्मी आ जा, अंग बेटा अंग, तभी तो और काटेंगे। जीजी तो घर पे गई है, आरव को राख रही है और पापा जी हमारी इधर पूड़ी लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखो मतलब 4:30 बज गए हैं, 4 बजे के टाइम पे देखो ये मेरी अंगुली कट गई है, देखो कितने सारे खून निकल गए हैं, मतलब एकदम में ही कट गई है, दांत ला से आरम पार छिरका लग गया है, कितना सारा खून निकल गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनको हमारे पापा जी रखते हैं सारे दिन। देखो ये खेत में ही आ गए हैं तो अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि 5:30 बज गए हैं, घर जा रहे हैं। देखो बिट्टू मेरी गोदी में और आरव जीजी की गोदी में, कितना राजी हो रहे आरव, हंस रहे हंस रहे। तो देखो हम आ गए हैं घर कुंडे के पास, हम यहाँ पे नहाएंगे, एक बार तो नहाएंगे फिर बाद में वो काम करेंगे। और जी जी इधर आरोप लेके खड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।